एक समय की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा बाघ रहता था। बूढ़ा होने की वजह से वो शिकार भी नहीं कर पाता था, इसलिए बहुत दुबला और कमजोर हो गया। ऐसे बिना खाए चलता रहे तो मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। जीने के लिए खाना जरूरी है, कुछ सोचना पड़ेगा। ये बोल के बाघ खाने की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद बाघ को जंगल के रास्ते में एक चमकता हुआ चीज दिखा। अरे ये चमकता हुआ चीज क्या है? अरे बाप रे, ये तो सोने का कंगन है। ये जंगल में कैसे आया? जैसे भी आया है, मुझे क्या, पर इसे अपने पास रख लेता हूँ, काम में आएगा। सुना है इंसान बहुत लालची होते हैं। किसी इंसान को लालच दे सकूंगा, लालच में आके वो मेरे पास आएगा, तब मैं उसे मार के खा जाऊंगा। हाहा, ये सोचते ही कितना आनंद आ रहा है। ये बोल के बाघ आगे चलना शुरू किया। चलते चलते वो एक कीचड़ भरी तालाब किनारे आ पहुंचा। ओह, ये स्थान तो सही है, कोई ना कोई जरूर आएगा यहाँ पानी पीने के लिए, तब मुझे मेरा शिकार मिल जाएगा। यहाँ इंतजार कर लेता हूँ। बाघ तालाब किनारे कोई इंसान के आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद एक आदमी तालाब किनारे आ गया। उसे देखकर बाघ बोला, अरे ओ भाई, सुन रहे हो? कौन कौन? अरे मैं। अरे बाप रे बाघ। अरे अरे भागो नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा। वो तो मुझे तुमको कुछ दिखाना था, इसलिए बुलाया। सोने का कंगन? हाँ, सोने का कंगन। ये मुझे जंगल में मिला, ये तो मेरा कोई काम का नहीं। तुम ये ले लो, तुम्हारा काम में आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? हाँ भाई, तुम इधर आओ और ये ले जाओ। कंगन लेने तुम्हारे पास जाऊं? मैं क्या तुम्हें मूर्ख दिखता हूँ? तुम्हारा कोई विश्वास नहीं। तुम्हारे पास जाऊं और तुम मुझे खा जाओ? ना बाबा ना, नहीं चाहिए तुम्हारा कंगन। तुम्हारा कंगन तुम्हारे पास ही रखो। अरे अरे, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। देखो मेरे नाखून भी नहीं है, आज हूँ कल क्या हो क्या पता। ये कंगन अगर किसी को दे सकूं तो मरने के बाद मुझे शांति मिलता, नहीं तो मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूँ, ये कंगन तुम ले लो ताकि मुझे शांति मिले। क्या पता ये सच बोल रहा हो, कंगन तो बहुत सुंदर है। क्या करूं, ले लू जाके? देखने में तो ये बाघ बूढ़ा नजर आ रहा है। छोड़ो चिंता, ये इतना बोल रहा है, जाके ले ही लेता हूँ, इसे भी मुक्ति मिल जाएगा। ये बोल के आदमी कंगन लेने के लिए तालाब में उतरा और कीचड़ में फंस गया। अरे मैं तो फंस गया, ये तुम्हारा चाल था। मैं मूर्ख तुम्हारे बातों में आ गया, मेरा लालच आज मेरे जान का दुश्मन बन गया।
लालची इंसान, अब तो तू मेरे पेट में जाएगा। ये बोल के बाघ तालाब में उतरकर आदमी को मार डाला। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, लालच बुरी बला है।